हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है अभिनीत। आप देख रहे हैं गेमिंग विद ARK और हम आ चुके हैं अपने करियर मोड के अगले एपिसोड में। आज आई थिंक वनडे मैच है। जी हाँ, वनडे मैच है सर्विसेज के साथ हमारा। और ये आई थिंक नहीं, पक्का ही है मुझे, ये हमारा लास्ट मैच है अनलेस अनटिल हम क्वालिफाई कर जाए। अगर ऐसा कुछ इसमें होने वाला है जो होगा पक्का, तो हम आएंगे 2 डाउन पे। और भैया बस और क्या, आगे चलते हैं। तो ये है ड्राई मीडियम पिच, बैटिंग के हिसाब से पिछली है थोड़ी, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं चल रही तो बैटिंग ट्रैक है, शायद कुछ कॉन्फिडेंस बनेगा, अच्छा खेलेंगे। इसमें रैंडम पिच की ऑप्शन नहीं आती जो मुझे पसंद नहीं है, आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, रैंडम नहीं ले सकते। तो हेड्स मांगा है पंजाब ने और सर्विसेज के कैप्टन ने उछाला है सिक्का। टेल्स, सर्विसेज ने जीता टॉस और अब ये क्या लेने वाले हैं, इन्होंने बैटिंग ले ली तो हम चेस करेंगे, इट मींस अच्छी बात है। चार मैच 4 विकेट, 39 रन हमने दिए हैं 4 ओवरों में, 24 रन देके कोई भी विकेट नहीं गिरा है, तो ये अच्छा स्टार्ट है सर्विसेज का। तो पहली बॉल, चलिए करते हैं कंटिन्यू, इनफैक्ट शुरू, कंटिन्यू नहीं, शुरू करते हैं पहली गेंद के साथ। ठीक गेंद, अच्छा शॉट, कोई रन नहीं मिलेगा, स्टार्ट हो चुके हैं हमारे बॉलर। तीसरी गेंद लेके हैं अब हम तैयार बिल्कुल पूरी तरह, अच्छा खेला उसको, पीछे एक फील्डर है जो बहुत दूर है तो ये 2 रन ले सकते हैं। जी हाँ, ले गए। तो रनिंग तो सुधरी है इस गेम में, इस बात को नहीं डिनाई कर सकते। फाइनली लास्ट बॉल आ चुकी है, 2 रन हमने दिए हैं इस ओवर से, अच्छा स्टार्ट मैं कहूंगा, अच्छा खेले इस बार, 1 रन बहुत इजीली लेंगे, 2 की नहीं है कोई गुंजाइश। 6 ओवर हो चुके हैं, ये वनडे मैच है आई थिंक, जी हाँ 6 ओवर हो चुके हैं और अगला ओवर लेके हमारे बॉलर बिल्कुल तैयार। अच्छा शॉट, सीधा फील्डर के पास जाएगी ये गेंद, दूसरी गेंद इस ओवर की, अच्छा स्टार्ट लिया वहां पे सर्विसेज ने वैसे, ये बहुत ही बढ़िया शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, हल्का सा शफल करके खेला, 4 रन जाएंगे यहाँ पे, तो धक्का कर गए अंपायर हमारे साथ। चलिए अगली बॉल, ये भी अच्छी बैट पे आई, तो ये वाकई बैटिंग ट्रैक है, बहुत अच्छी बैट पे आ रही है गेंद। लास्ट बॉल आ चुकी है हमारे इस ओवर की, कोई बहुत अच्छा ओवर तो मैं नहीं कहूंगा इस बार अपना ये वाला। ओ अच्छा खेले, 2 रन की आई थिंक ये फिर ट्राई करेंगे, पर नहीं, 1 ही रन मिलेगा। फाइनली हमारा दूसरा ओवर भी हो गया यहाँ पे खत्म, दूसरा स्पेल कराने को हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, 34 ओवरों में 163 पे 4। चलिए पहली गेंद कराते हैं अपने दूसरे स्पेल की, अच्छी बल्लेबाजी हुई है यहाँ पे, सीधा फील्डर के पास, इस बार कोई भी रन नहीं मिलेगा। पांचवी गेंद लेके हम हैं तैयार पिच पे, जो कि बैटिंग ट्रैक लग रहा है, ये पीछे फील्डर जरूर है, 1 रन मिल जाएगा उन्हें। तो हमारे इस ओवर की अब आ चुकी है लास्ट बॉल और ये अभी तक ठीक ओवर कराया हमने, अच्छा जिसे कहते हैं कमबैक टाइप ओवर हो रहा है हमारा, थोड़े रन पड़ रहे हैं आज हमें कंपैरेटिवली, बट पिच देखने में ही बैटिंग की लग रही है। लास्ट बॉल रही डॉट, बढ़िया ओवर हुआ, खत्म। 3 ओवर हम करा चुके हैं, 10 रन जरूर दिए हैं हमने, लेकिन कैप्टन पूरी हम पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विकेट लेके देंगे, कोशिश भी पूरी है हमारी। पिच का फर्क बहुत डिफरेंस लाता है, ये अच्छी बात है कि कोई एज इस पिच पे नहीं लग रहा, ये मैं बात ही कर रहा था कि कोई एज नहीं लग रहा है इस पिच में और पहला एज लग गया, ये शायद चौका नहीं जाए, शायद पहुंच जाए, वो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भाग के ही 4 रन ले लिए, तो अच्छी रनिंग वहां पे है कि देख के अच्छा लगा कि वो वाकई ही 4 रन भागे हैं। लास्ट बॉल आ चुकी है हमारे इस ओवर की, अभी तक अच्छा ओवर है, एक एज भी, ओ दूसरा एज लगा, तो अब एजेस लग रहे हैं इस पिच में। पहली गेंद लेके हम हैं तैयार, पिछले ओवर में थोड़े से ज्यादा रन दिए लेकिन उसके बावजूद कैप्टन ने देखा कि एजेस के रन है तो
ओवर कंटिन्यू करवाया है हमसे। कंटिन्यू करते हैं, फील्डिंग्स में हम लगातार चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, इसी कोशिश में कि जो एज है वो जाए सीधा फील्डर के पास, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। ये लास्ट बॉल थी तो ओवर भी हो गया हमारा खत्म। तो बल्लेबाजी करने को हम है तैयार। एवरेज देखिए वहाँ 141 की एवरेज है हमारी, जो बहुत अच्छी है। आज गेंदबाजी में नहीं चले हैं तो कोशिश यहाँ पे होगी कि बल्लेबाजी में कुछ अच्छा करें। आते ही एक रन और शुरुआत की हमने अपनी बैटिंग की। कुछ सी दो ओवर दो सॉरी विकेट्स 5 ओवरों में तो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं ये तो। अच्छा शॉर्ट रन मिलेगा हमें, एक मिसफील्ड हुई वहाँ पे तो एक रन और आराम से मिला। 134 पे 4 विकेट्स, बहुत ज़्यादा गिर रही है यहाँ पे। अच्छा शॉट है, दो की ट्राई, नहीं नहीं रहने देते हैं, एक ही रन लेते हैं। रिस्क यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। 141 हो चुका है अब टीम का स्कोर। आगे है कॉट से, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं ये। ये बहुत अच्छा शॉट था लेकिन वहाँ पे अच्छी फील्डिंग हुई। अगली गेंद कुछ फील्डिंग में भी परिवर्तन किया है इन्होंने यहाँ पे, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। शॉट मैं कहीं और खेल रहा था पहले एंड मौके पे चेंज किया, एक रन मिल जाएगा बट ऐसे शॉट से हमें बचना होगा। तो अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं और आ भी अराउंड ही रहे हैं तो एंगल बना के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा शॉट है, दो की ट्राई करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। जी हो जाएगा, चलिए बढ़िया दो रन। चलिए अगली गेंद, 28.2 ओवर हो चुके हैं और ये अच्छा शॉट है, कैप में शॉट है, दो की ट्राई हम फिर करने वाले हैं यहाँ पे और इजिली मिल जाएंगे क्योंकि थ्रो बहुत बेकार आई वहाँ से। फाइनली अब स्पिनर आ चुके हैं बॉलिंग कराने, 11 पे हमारे बैट्समैन। बढ़िया शॉट है, दो की ट्राई मैं यहाँ भी करने वाला हूँ और हमें मिल भी जाएंगे। चलिए अच्छी रनिंग वहाँ पे, तो आई थिंक एक रन ले गए वो वहाँ पे। अब हमारी बैटिंग आई है, ये अच्छा शॉट है, दो की ट्राई, नहीं रहने देते हैं, से हो जाना था, बहुत ख़राब थ्रो आई थी। 20 ओवर बचे हैं, टारगेट अभी भी बहुत चाहिए। हमारे बैट्समैन खड़े तो रह सकते हैं बट अभी तक हिटिंग वाली कहानी उनसे हुई नहीं है। क्या आज कुछ हिटिंग हो सकती है यहाँ पे? 18 पे पहुँच चुके हैं हमारे बैट्समैन और मीडियम बॉलर आगे करा रहे हैं बॉलिंग। ये अच्छा शॉट है, मैं दो की ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे और ये नो बॉल थी तो हमें साथ में फ्री हिट भी मिल जाएगी यहाँ पे। जी हाँ मिलेगी, आई थिंक ये नो बॉल थी, बिल्कुल नो बॉल थी ये। तो फाइनली अब फ्री हिट है, उम्मीद है इस बॉल पे कुछ बड़ा हिट लग पाए। मारा तो मैंने उठा के था बट गेंद इनर बाउंड्री से भी ज़्यादा हवा में नहीं रही, इनर बाउंड्री भी नहीं क्रॉस कर पाई हवा में, जल्दी टपक आ गई। उनके अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है यहाँ पे, रिस्क हमें लेना होगा इस टाइम पे। ये रिस्क गलत हो गया और ये एक और कैच छोड़ दिया आज इन्होंने। फाइनली थोड़ा आज किस्मत ने हमें, थोड़ा नहीं बहुत साथ दे रही है हमारी किस्मत, तो इस किस्मत को हम करेंगे कंटिन्यू और कोशिश करने वाले हैं एक और बॉल उठा के मारने के लिए। इस बार तो भैया ठीक लगा है ये, हालांकि टाइमिंग अच्छी नहीं थी पर जहां पे गेंद गई वो अच्छी जगह थी। 2 रन और मिल गए, 25 पे पहुंच चुके, चौका अभी भी एक भी नहीं मार पाए है कोई। आज इस बार ना श्राप वगैरह लग गया, अभी चौके नहीं बजेंगे तेरे। एक रन मिल जाएगा, चाहे कैचेस ये नहीं पकड़ रहे बट इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, ग्राउंड फील्डिंग, थ्रोस डायरेक्ट मार रहे हैं ये।
स्पिनर आ चुके हैं रायन कुंडी। चलिए इन्हें खेलते हैं। बहुत अच्छा शॉट है वैसे, दो रन की मैं पक्का ट्राई करने वाला हूँ और हो भी जाएंगे क्योंकि बहुत डीप से आई है ये थ्रो। से जिस स्पीड से ही आई है मैं तीन भी कोशिश कर सकता था यहाँ पे। थोड़ा हुआ है किस्मत का साथ, कुछ बैटिंग भी ठीक हुई है। क्या आज हमारे बैट्समैन, हमारे प्लेयर मैच जिता पाएंगे? एक ही लेते हैं तो क्या भी रिस्क नहीं लेते। साह करा रहे हैं, कंटिन्यू कहाँ मारे इन्हें? नहीं, मैं सिंगल नहीं लेने वाला हूँ, जो भी हो जाए इस पर मैं सिंगल नहीं लूँगा। चाहे मैच मैं हरा दूँ बट मैं सिंगल नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता विकेट गिरे यहाँ पे। नहीं, अभी भी नहीं। तीन गेंदें हो चुकी है, हमने आई गेस दो नहीं कह सकता बट एक सिंगल तो बिल्कुल ही मना कर दिया वहाँ पे। बट कोई फायदा नहीं हुआ एंड मैं अपना ही विकेट गिरा दिया, प्रेशर ले लिया खुद पे और अपना विकेट भी गिराया वहाँ पे। विकेट्स दूसरी तरफ से जब गिरती है, ये वैसे अच्छी गेंद थी और हम आउट हो गए। चलिए ठीक खेले, 29 रन मारे हमने, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं पर जो था बढ़िया था। तो सर्विसेज ने ये मैच बहुत अच्छी तरह जीत लिया। देखा जाए उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उसका फायदा उन्हें मिला वहां पे। व्याम किंग बने मैन ऑफ द मैच, दो विकेट्स और 66 नॉट आउट, हमारे रहे 29 रन। आई थिंक लेवल इंक्रीज हो गया है हमारा, 350 रनों के हम बहुत पास आ चुके हैं। ये तो मुझे उम्मीद है हम अगले मैच में कर लेंगे पूरा। दो पॉइंट्स हम ले सकते हैं, अभी भी बैटिंग में हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आई थिंक एक बार जब डिफेंस कर देंगे तो बाकी के होंगे, पर कोई बात नहीं। हम बॉलिंग सब ऐसे लगता नहीं मुझे, बॉलिंग में चलते हैं। ये आ चुकी है बॉलिंग, हम इसमें एबिलिटी टायर इंक्रीज कर सकते हैं अपना। तो स्विंग कर देते हैं एक तो, और स्पीड पे थोड़ा फोकस किया जाए कि एक्यूरेसी पे इस टाइम। फील्डिंग पे देखते हैं, वैसे हमने फील्डिंग में कुछ भी नहीं किया है। स्लिप्स पे इन्हें खड़ा कर सकते हैं, मेरा फील्डिंग बढ़ाने का कोई मन है नहीं बट थोड़ी सी कैचिंग बढ़ा देते हैं। फील्डिंग हम करते नहीं हैं अभी तक, जब करेंगे तब बढ़ा देंगे। स्लोअर बॉल मैं नहीं बढ़ाने वाला हूँ, स्टॉक बॉल भी वैसे मैं बढ़ा सकता हूँ तो मैं स्टॉक बॉल बढ़ा देता हूँ एक अपनी आधी इनफैक्ट। तो भैया पंजाब फिनिश इन फोर्थ पोजीशन, मुझे नहीं पता हम क्वालिफाई किए कि नहीं किए हैं। एक बार कैलेंडर देख के शायद कुछ समझ आएगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिखा रहा। स्टैंडिंग्स देखते हैं उससे पता चल जाएगा। तो नॉर्थ जोन वनडे में दिल्ली और सर्विसेज का फाइनल होगा, मतलब हम बाहर हो चुके हैं इससे। T20 का भी डिसाइड होना है और आई थिंक जो टेस्ट मैचेस है उसका ओवरऑल पंजाब टॉप पे है। ओके, कहीं पे तो हम टॉप पे हैं, यहाँ मेरी परफॉर्मेंस बेकार है वहाँ हम टॉप पे हैं। वैसे हमने अपना देखा नहीं बैटिंग, वैसे टेस्ट मैचेस में तो हम कहीं भी नहीं आएंगे। 33 33 विकेट मिली है लोगों को, लंबा हो रहा है ये एपिसोड। चलिए अगले मैच में मिलेंगे यार, जो कि है हमारा हिमाचल के साथ T20 मैच, और उस मैच में आएगा मज़ा। ये इनफैक्ट लास्ट मैच होगा, मुझे नहीं पता कोई क्वालिफाई हम कर पाएंगे कि नहीं। वैसे हमने T20 की स्टैंडिंग्स नहीं देखी है, क्विकली वो तो देख सकते हैं। ये शायद पहला T20 था, नहीं फर्स्ट क्लास था। ये है T20 और पंजाब लास्ट में है, तो हम जीते हारे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें क्योंकि हम क्वालिफाई करने वाले हैं नहीं, बट अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश करेंगे। T20 का हमारे पास वो भी है, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ, स्किल्स में पर्क्स है,
हमारे पास T20 का पर्क भी है, तो उस वजह से थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करता है हमारा प्लेयर T20 में। चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मार दीजिएगा एक लाइक, और कोई भी बात पूछनी है या बतानी है तो कर दीजिएगा कॉमेंट, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चलिए ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।